हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय सीरीज टारगेट 35 सीरीज सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टर्म वन में फुल मार्क्स लाने के लिए, मींस 35 out of 35 लाने के लिए यूजफुल है। अगर आप इस सीरीज के सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं तो हमें पूर्णतया विश्वास है इस बात का कि आप भी पा सकेंगे फिजिक्स में 35 out of 35। सो रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं। आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 30 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो टारगेट 35 सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 22 यह है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 microfarad। द एरिया ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाल्ज एंड फिल्ड विद टू मीडिया एज सोन इन द फिगर। हैविंग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 = 2 एंड K2 = 4 द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल नाउ बी ए 10 microfarad, बी 20 microfarad, सी 30 microfarad एंड डी 40 microfarad। तो बच्चों देखिए, कुछ इस तरह से हमको क्वेश्चन दिया है कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, जो कि पहले उस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच क्या थी, एयर थी, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर है वो इस तरह की दो प्लेट से बना होगा और इन प्लेट्स का एरिया हम पूरा एरिया सपोज कर लेते हैं पहले ए, और मान लेते हैं इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी थी। तो बच्चों, जब इनके बीच एयर थी उस समय कैपेसिटी हमको दिया है 10 microfarad। अब हमसे कह रहे हैं कि इसमें K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक के दो सब्सटेंस फिल कर दिए गए इस तरह से, हाफ एरिया में K1, हाफ एरिया में K2। तो हमसे फाइनल कैपेसिटी पूछी जा रही। देखिए बच्चों, आपको ये तो पता चल रहा होगा कि जब ऐसा कर देंगे तो इधर की कैपेसिटी अलग हो जाएगी, इधर की कैपेसिटी अलग हो जाएगी, तो ये कैपेसिटी हो जाएगी C1 और ये हो जाएगी C2। और जब ऐसे एरिया को डिवाइड करके फिल करते हैं तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो जाते हैं, पैरेलल में, मीन्स C1 और C2 निकाल के उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम नेट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम ये आता है कि हम इक्वेशन बनाते हैं। हमको पता है कि एयर जब प्लेट के बीच में थी तो कैपेसिटी कितनी थी, 10 microfarad। तो यहां पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर इज बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। जब प्लेट्स के बीच में एयर थी उस समय कैपेसिटी क्या होगी, तो उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, C = ε0 A/D। बट C हमको कितना दिया है, 10 microfarad। इसका मतलब ये हुआ कि 10 = ε0 A/D। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इनिशियली जब उनके बीच में क्या था, एयर थी। अब जब ऐसे भर दिया गया तो मैंने क्या कहा, अब देखो अगर पूरी प्लेट का एरिया ए था, ऐसे ए था, तो ये हाफ प्लेट इधर है तो इधर का एरिया क्या हो जाएगा, A/2, और इधर का भी एरिया क्या हो जाएगा, A/2। भाई देखो, यहाँ से इधर की प्लेट अलग, इधर की प्लेट अलग, तो आधा एरिया इधर आधा एरिया उधर। तो जो नया कैपेसिटर बनेगा C1, उसमें एरिया कितना लेना होगा, A/2। C2 कैपेसिटर जो इधर वाला मानेंगे उसमें एरिया कितना लेना होगा, A/2। तो अब हम दोनों की कैपेसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसकी कैपेसिटी ले लेते हैं। तो ये कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा C1 = क्या बनेगा, K। तो K की जगह क्या है, देखो K1 ε0 A/D। तो देखो A कितना लेना है, A/2 और अपान में D, ये D ऐसा, मतलब C1 = K1/2 ε0 A/T। वैल्यू पुट कर दो, K1 कितना गिवन है, 2, ε0 A/D कितना है, देखो इक्वेशन फर्स्ट से 10 / 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो C1 कितना आ जाएगा, ये आएगा 10 microfarad, ठीक है।
अब लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ सेकंड फील्ड पार्ट, कैपेसिटी ऑफ सेकंड पार्ट, उसकी कैपेसिटी क्या होगी सोचो इस पार्ट की, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, एप्सिलॉन जीरो ए अपान टी, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, तो वो आएगा हमारे पास सी टू इज इक्वल टू के टू एप्सिलॉन जीरो ए बाई टू अपान डी। इसको थोड़ा और सॉल्व करो बच्चों तो क्या आएगा, यह आएगा सी टू इज इक्वल टू के टू अपान टू एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी। देखो बच्चों यहां से आपको सी टू मिलता दिख रहा है कैसे, तो सी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो सी टू इज इक्वल टू हो जाएगा के टू, के टू कितना है फोर, एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी कितना है देखो पहले इक्वेशन से 10 माइक्रो फेरेड अपान टू, यानी कितना आ जाएगा 20 माइक्रो फेरेड। ठीक है, अब दोनों पार्ट की जो कैपेसिटी वो कैसी रहेंगी पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या होगा सेम होगा, तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या लिखेंगे कि सी वन एंड सी टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो नेट कैपेसिटी सी नेट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी सी वन, तो देखो सी वन कितना आया था 10 प्लस सी टू कितना आया है 20, यानी कि सी नेट आ गया हमारे पास 30 माइक्रो फेरेड, सो द नेट कैपेसिटी विल बी 30 माइक्रो फेरेड। तो यहां से पता चला कि इस तरीके से जब सब्सटेंस फिल कर देंगे तो नेट कैपेसिटी क्या बचेगी 30 माइक्रो फेरेड बचेगी, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 यह है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स 7/6 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t इज इक्वल टू 2/3d इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द स्लैब इज ए 14/11, बी 11/14, सी 7/11 एंड डी 11/7। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कैपेसिटर है ठीक है, जिसकी प्लेट्स का एरिया मान लो ए है ऐसे रखी हुई है, और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है ठीक है, तो प्लेट्स का एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, और कह रहे हैं इसकी इनिशियल कुछ कैपेसिटी है, मान लेते हैं कि प्लेट्स के बीच में पहले एयर है, तो जब बच्चों जब प्लेट्स के बीच में एयर है तो उस समय कैपेसिटी क्या लिखेंगे, सी ए बराबर कितना आ जाएगा, यह आएगा एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी, ये तो इनिशियल की बात हो गई। अब बच्चों कहा जा रहा है कि इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देनी है, चलो ये स्लैब हमने पुट कर दिया ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो बोला कि पहले प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये डी है और जो स्लैब पुट की उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है 2/3d, इसका मतलब जो ये स्लैब है इस स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है 2/3d, ये कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की स्लैब है बच्चों, ऐसे पुट कर देंगे। हमसे कहा जा रहा है कि ये पुट करने के बाद जो फाइनल कैपेसिटी आएगी वो पहले वाली कैपेसिटी मतलब एयर वाली कैपेसिटी का 7/6 टाइम हो जाती है, तो हमको इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता करना है, हमको क्या पता करना है यहां पे के, तो क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे क्या, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स। तो बच्चों अब क्या होगा जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दोगे तो उस समय कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ये सी फाइनल मान लीजिए स्लैब रखने के बाद, तो क्या बचेगी, फार्मूला क्या होता है कोई जब स्लैब पुट कर देते तो याद करो फार्मूला होता था एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये कब लगता था जब किसी कैपेसिटर को
पार्शली फिल करते थे किसी डायलेक्टिक स्लैब से जिस स्लैब का एरिया कैपेसिटर के एरिया के बराबर होता था तब। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। बट हमको पता है कि जो फाइनल कैपेसिटी वो इनिशियल की 7/6 टाइम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/6 सी। इधर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा एप्सिलॉन 0 ए अपान डी माइनस टी। टी की वैल्यू देखो कितना दिया है, 2/3 डी प्लस टी, यानी कि 2/3 डी अपान के, और हमको इसी के की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों सी ए एयर की कैपेसिटी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7/6 एप्सिलॉन 0 ए अपान डी इज इक्वल टू, उधर क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0 ए अपान, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, देखो डी बाई थ्री बचेगा यहाँ से, प्लस 2D/3K। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कुछ व्यवस्था बनती हमको दिख रही है, चलो कर लेते हैं बच्चों। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर, तो इधर से ये 6D इधर चला जाएगा, तो उस तरफ कितना बचा, केवल 6D, देखो 6D अपान में था ये, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, ये पूरा टर्म इधर आ गया। इधर क्या बचेगा, 7 ब्रैकेट में D/3 प्लस 2D/3K, ये बच गया बच्चों। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए अपान में ये 3 है, दोनों में है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट भी ऐसे कर लो, चलो छोड़ो ये 3 कामन ले लो बाहर, अंदर क्या बचा, और ये D भी कामन आ जाएगा, ऊपर है चल ले लेते हैं। यहाँ से D/3 चला गया तो क्या बचा, 1। यहाँ से देखो D/3 चला गया तो क्या बचा बच्चों, 2/K इज इक्वल टू 6D। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, D से D क्या हो गया, कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 7 प्लस 14 अपान के इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये आएगा 14 अपान के इज इक्वल टू, ये उधर जग गया तो क्या हो गया, देखो 18 में 7 माइनस हो तो क्या बचा, 11। दिस इंडिकेट के इज इक्वल टू 14 अपान 11, देखो के को इधर लाए 11 इधर आए, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 अपान 11। सो द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैविंग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 14 अपान 11 व्हेन प्लेस्ड इन सच अ वे देन कैपेसिटी बिकम 7/6 टाइम। इसका मतलब के की वैल्यू 14 अपान 11 बिल्कुल सही हो जाएगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 24 यह है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव द सेम कैपेसिटेंस सी, वन ऑफ देम इज चार्ज टू V1 एंड अदर इज टू V2। द नेगेटिव एंड्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर आल्सो कनेक्टेड। द डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द कॉम्बाइंड सिस्टम इज। तो बच्चों हमसे क्या कहा जा रहा है कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, जैसे एक ये मान लेते हैं और एक ये मान लेते हैं, दोनों की कैपेसिटी सी है ऐसा उन्होंने दे रखा है, वेरी गुड। ये कैपेसिटी क्या है, सी, ये कैपेसिटी सी। एक को V1 बैटरी से जोड़ा गया V1 वोल्ट से, और एक को V2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया ऐसे, तो सीधी सी बात है कुछ चार्ज इस पे चला जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये एंड नेगेटिव हो गया, कितना चार्ज गया होगा, Q इज इक्वल टू C V1। जब इसको V2 पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया तो यहाँ पे भी कुछ चार्ज चला गया होगा, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस पे चार्ज कितना गया होगा, C V2। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये सेल हटा दिए गए, जो भी बैटरी लगाई थी इनको हटा दिया, और इन दोनों को ऐसे जोड़ते हैं कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव में और नेगेटिव प्लेट नेगेटिव में कनेक्ट करते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा डायग्राम। ठीक है, तो ऐसा केस आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का पढ़ाया गया है, अगर पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव में और नेगेटिव प्लेट नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है ना, तब तक पोटेंशियल इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक एक कॉमन पोटेंशियल नहीं मिल जाता, क्योंकि आपको पता है ना चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से,
तो अब वो चार्ज इधर उधर तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मान लेते हैं कि दोनों का सेम पोटेंशियल V हो जाता है, जोड़ने के बाद कुछ देर बाद दोनों पोटेंशियल का जगह सेम हो जाएगा, वो हो गया V। अब इस समय जब V पोटेंशियल हो गया, इसकी कैपेसिटी C थी, इसकी कैपेसिटी C थी, तो सीधी सी बात है इस पे अब चार्ज कितना हो गया होगा CV, इस पे चार्ज कितना हो गया होगा CV, मतलब फाइनली दोनों पे चार्ज भी सेम हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटी सेम। अगर कैपेसिटी अलग अलग होती तो अलग अलग भी चार्ज हो सकता था, बट पोटेंशियल सेम होगा ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और ये सेम पोटेंशियल इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है नेट चार्ज, यानी कि नेट चार्ज कितना था पहले देखो, Q1 प्लस Q2 अपान नेट कैपेसिटी। तो नेट कैपेसिटी कितनी देखो, C प्लस C, भाई C इसकी पैरेलल में लग गए ऐसे 2C, यानी कि V हो गया हमारे पास देखो CV1 प्लस CV2 अपान 2C, कैंसिल हो गया तो क्या बचा, V1 प्लस V2 अपान V इस केस का। अब देखो बच्चों, हमसे कहा जा रहा फ्लड विल बी द लॉस इन एनर्जी, मतलब इस स्थिति में अलग अलग कैपेसिटर थे उनको ऐसे जोड़ने में कितना लॉस हुआ एनर्जी का। तो हम क्या करेंगे, पहले की एनर्जी निकालेंगे, बाद की एनर्जी निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले की एनर्जी टोटल कितनी है जरा दिमाग लगाओ, इसकी एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन एनर्जी देखो तो क्या होता है एनर्जी का फार्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, यानी कि सी वी वन स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी तो हो गई हाफ सी वी टू स्क्वायर। ये तो बच्चों इनिशियल एनर्जी हो गई माइनस फाइनल एनर्जी। तो इस पे देखो पोटेंशियल कितना हो गया वी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, इससे फाइनल पोटेंशियल वी, तो ये भी हो गई हाफ सी वी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो डेल्टा यू बराबर क्या मिलेगा, देखो हाफ सी कॉमन आ गया सबसे बाहर ले लो, बचेगा कितना, ये बचेगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये वी स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि ये टोटल हो गया तुम्हारे पास माइनस का हाफ सी तो कॉमन हो गया तो बचा टू वी स्क्वायर, है ना, इतना बचा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा, हाफ सी वी वन स्क्वायर, तो देखो वी वन की वैल्यू कितनी है, ये तो ऐसी रहेगी, प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी, वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो ये वाली, तो क्या आएगा बच्चों, वी वन प्लस वी टू अपान टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा डेल्टा यू इक्वल टू हाफ सी वी वन स्क्वायर, देखो दो से एक दो का स्क्वायर कटेगा अपान में टू बचेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो इस समय, तो टू वी वन स्क्वायर प्लस टू वी टू स्क्वायर, और क्या बचा, माइनस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू, इसका होल स्क्वायर ओपन किया माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया, पूरे के अपान में कितना बचा टू, क्या क्या किया गया है, इस टू से टू का स्क्वायर था देखो कुछ ऐसा था, इसको ऐसे देखो, इसका स्क्वायर ऊपर था, ये टू स्क्वायर था, ये इसके स्क्वायर से कटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमको, इसका होल स्क्वायर ब्रेक किया तो ये मिला, ठीक है। अब ये कितना आएगा बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू ये आएगा हाफ सी, ध्यान से देखो, तो बच्चा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू अपान टू, तो ये अपान टू टू क्या हो जाएगा, फोर। ये होता है वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। इसका मतलब डेल्टा यू बराबर आ गया हमारे पास हाफ सॉरी वन बाई फोर सी वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, तो दिए गए ऑप्शन में से सी करेक्ट होगा। इसको शॉर्टकट से बच्चों कर सकते हैं, अगर आपको याद होता तो आपको इस केस के लिए कि जैसे दो अलग अलग पोटेंशियल से दो कैपेसिटर चार्ज किए गए उनको रिकनेक्ट करने का एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का। वो क्या था कि जब एनर्जी इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, मीन्स पॉजिटिव को पॉजिटिव में, निगेटिव को निगेटिव में कनेक्ट करते हैं, तो लॉस इन एनर्जी का एक ये भी फार्मूला डायरेक्ट होता है, हाफ सी वन सी टू अपान सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे आता है आंसर देखो,
डेल्टा यू इक्वल टू हाफ सी वन कितना था देखो सी सी टू सी अपान सी प्लस सी वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। सो डेल्टा यू इक्वल टू इस समय आ जाता हमारे पास देखो ये सी स्क्वायर अपान टू सी वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, मतलब डेल्टा यू इक्वल टू आ जाता वन बाई फोर सी वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। तो अगर आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस का फार्मूला ये याद है तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिए गए ऑप्शन में से सी करेक्ट होगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब देखिए बच्चों, टारगेट 35 सीरीज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 25 यह है कि थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड 9 माइक्रोफेरेड एंड 18 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द टू केसेस सी एस अपॉन सी पी विल बी ए 1:15, बी 15:1, सी 1:1 एंड डी 1:3। तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर तीन कैपेसिटर दिए हैं C1, C2 और C3। कह रहे हैं इनको जब एक बार सीरीज में जोड़ते हैं, फिर इनको हम एक बार पैरेलल में जोड़ते हैं, और सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उनकी कैपेसिटी का रेशियो बताना है। तो CS अपान CP का रेशियो हमको बताना है। तो पहले सोचते हैं बच्चों, अगर ये तीन कैपेसिटर इस तरह से हैं और इनको सीरीज में जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आएगी। सोचो C1 कितना है 3 माइक्रोफेरेड, C2 कितना है 9 माइक्रोफेरेड और C3 कितना है 18 माइक्रोफेरेड। ये तीनों कैसे जोड़ दिए सीरीज में। तो बच्चों इस समय जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी CS आएगी, मतलब कैपेसिटी इन सीरीज, वो क्या आएगी 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CS कितनी हो जाएगी बच्चों 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18। तो 1/CS इक्वल टू 18 LCM ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 6 प्लस 2 प्लस 1। तो 1/CS इक्वल टू 9/18 या CS इक्वल टू 18/9 यानी कि 2 माइक्रो फैरेड। देखो तो CS कितना आ गया, मतलब जब सीरीज में इनको लगाएंगे तो उस समय नेट कैपेसिटी कितनी आएगी 2 माइक्रो फैरेड आएगी। अच्छा अब कह रहे हैं कि इन्हीं को फिर पैरेलल में कनेक्ट कीजिए। अच्छा तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे बच्चों, ऐसे ये ऐसे कनेक्ट हो गए। मान लो ये C1 है 3 माइक्रोफेरेड, ये C2 है 9 माइक्रोफेरेड और ये C3 है 18 माइक्रोफेरेड। तो जब ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी अब क्या आएगी बच्चों CP बराबर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पता है ना C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब ये आ जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 18 यानी कि CP हमारे पास यहाँ से आ गया 30 माइक्रोफेरेड। ठीक है, हमसे कहा गया कि हमें फाइंड करना है CS अपान CP। तो बच्चों CS अपान CP कितना आएगा, सोचो CS कितना है 2, CP कितना है 30, तो क्या आएगा 1/15। सो द रेशियो ऑफ कैपेसिटी इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 1/15। सो 1/15 इज द करेक्ट आंसर, इसको फटाफट नोट। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 26 यह है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू वी वोल्ट बाय अ बैटरी एंड बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज हाल्व द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी ओके। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि कोई एक कैपेसिटर है, मान लीजिए जैसे एक ये कैपेसिटर, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी क्या है सी है। भाई कैपेसिटर है, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो अगर इसकी प्लेट्स का एरिया ए मान लिया जाए और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी मान लिया जाए, तो आपको पता है इसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो सकता है, वो होता है सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। हमसे कह रहे हैं बच्चों कि इसको हमने वी वोल्ट से चार्ज किया। अच्छा इसके साथ सपोज करो एक सेल लगा दिया होगा, कितने वोल्ट का वी वोल्ट का। जब वी वोल्ट का सेल लगाएंगे तो इसमें चार्ज कितना जाएगा,
क्या आप लिखेंगे, चार्ज एट कैपेसिटर कितना होगा इस समय चार्ज, Q बराबर CV, ठीक है। यहाँ से इस पे चार्ज कितना स्टोर हो गया, CV चार्ज स्टोर हो गया। अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि इस सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब ऐसा कैपेसिटर आ गया, ये हो गया और इस पे चार्ज भी आ चुका है, चार्ज कितना आ चुका है CV, ये ऐसा कुछ, ठीक है। सीधी सी बात है, जब ये कनेक्टेड था तो इस पे कुछ प्लस माइनस ये पोटेंशियल मतलब चार्ज प्रोड्यूस हो गया होगा प्लेट्स पे। अब बच्चों कह रहे हैं इनकी प्लेट को उठा के पास ले आए, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या कर दी गई, आधी कर दी गई, हाल्फ। तो बच्चों जब ये डिस्टेंस पहले डी थी, अब ये डिस्टेंस क्या हो गई है, डी बाई टू हो गई है, आधी कर दी गई है। तो सीधी सी बात है, अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो इस समय जो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फाइनली कैपेसिटी सी डैश बराबर क्या होगी, एप्साइलम जीरो ए अपान डी बाई टू, यानी कि टू एप्साइलम जीरो ए अपान डी, और पहले की कैपेसिटी सी थी तो यानी कि अब देखो क्या बच रहा है, टू इंटू सी, यानी कि सी डैश बराबर हो गया टू सी। तो इस सिचुएशन में जो बाद में कैपेसिटी है वो कितनी हो गई, टू सी हो गई। सबसे बड़ी बात है बच्चों, पास लाने पे भी चूंकि बैटरी डिसकनेक्टेड हो गई है तो इसको चार्ज कौन देता था, बैटरी। अब जब बैटरी हटा दी गई, सोर्स हटा दिया गया, तो इसका चार्ज फिक्स हो जाएगा, इसका मतलब चार्ज इस पे अभी भी वही रहेगा जो पहले था, यही इसका की पॉइंट है बच्चों, चार्ज वही रहेगा। इसका मतलब चार्ज अभी भी इस पे कितना रहेगा, क्यू, जो पहले था, ठीक है। तो क्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, यही पूछा गया है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश बराबर क्या जाएगा, फाइनल चार्ज अपॉन फाइनल कैपेसिटी। तो फाइनल चार्ज कितना हो गया, देखो सी वी, फाइनल कैपेसिटी कितनी हो गई, टू सी, ये इससे क्या हो गया, सी से सी देखो कैंसिल, तो वी डैश कितना बचेगा, वी बाई टू। So the final potential difference will be V by 2. तो अगर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया जाएगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं टारगेट 35 का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि The charge on the capacitor of capacitance 10 microfarad connected as shown in the figure is A 20 microcoulomb, B 15 microcoulomb, C 10 microcoulomb and D 0। तो देखिए बच्चों हमको ये क्वेश्चन दिया है, हमसे कह रहे हैं कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब कैपेसिटर किसी रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा होता है तो जिस रास्ते में कैपेसिटर जुड़ता है वहाँ पे डीसी करंट जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट काम कर देता है। तो मतलब कह सकते हैं कि बैटरी वाली जो करंट होती है, सेल वाली जो करंट होती है, उसके लिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब जो भी करंट फ्लो होनी है कभी भी वो कैपेसिटर से नहीं जाएगी, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होती है। स्टेडी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत में तो थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है बट स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं होती। इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो होगी। तो हमारे मन में ये भी आ सकता है जब करंट इसमें जाएगी नहीं तो इसमें वोल्टेज कैसे स्टोर होगा। तो बच्चों स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, ये तो आपको पता है क्योंकि ये सर्किट इससे क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों तरफ सेम होता है। अच्छा, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे नाम दे दें ए बी डी ई, क्यों, क्योंकि सी देखो यहाँ पे यूज कर लेना, इसलिए सी नाम नहीं दिया गया, ठीक है। अब बच्चों हमारा काम ये होगा पहले हम बी से डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट पता होनी चाहिए, तो पहला काम होगा आप सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालिए। तो मान लेते हैं करंट कितनी फ्लो होगी यहाँ पे, आई। तो जब आई करंट फ्लो हो जाएगी तो क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो देखो ये पूरा सर्किट ऐसे है,
इससे जा रही है, तो इसके करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस कितना पड़ रहा है 2 ओम, वोल्टेज कितना लगाए हम 2 वोल्ट। तो आपको पता है ना कि अगर इस रेजिस्टेंस को R1 कह दें, इसको R2 कह दें, तो हमारे पास करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो हमने लगाया है अपान रेजिस्टेंस। तो कितने रेजिस्टेंस से करंट जा रही है, केवल 2 ओम से, यानी कि R2 कह सकते हैं, आ रही है 2 ओम से यानी कि R2 से। तो I यहां से निकल आएगा बच्चों, I = V 2/2 यानी कि 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो B से D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, सोचिए जरा, VBD इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा I × R2। देखो I ही करंट तो यहाँ गई, यही I यहाँ, यही I यहाँ, यही I यहाँ, यही I यहाँ, मतलब ये आ जाएगी I की वैल्यू आई 1 × R2 की वैल्यू 2, यानी कि VBD कितना आ गया, ये आ गया 2 वोल्ट। जब VBD निकल आया, अब यहाँ पे कोई करंट तो है नहीं, तो इस रेजिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा नहीं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसमें 0 रहेगा, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटर पे रहेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर इन दिस सिचुएशन VBD = 2 वोल्ट। सो चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो चार्ज कैसे स्टोर होगा, तो ये V बराबर आ जाएगा हमारे पास, Q बराबर आ जाएगा CV। तो C कितना है देखिए 10, V कितना है जो इस पे वोल्टेज आया है, इस पे कितना वोल्टेज आया है, VBD आया है यानी कि 2। तो Q बराबर आ जाएगा यहाँ से 20 माइक्रो कूलाम। सो द चार्ज स्टोर्ड एट द कैपेसिटर विल बी 20 माइक्रो कूलाम। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि ये 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट हो जाएगा, तब भी आप सोच सकते थे डायरेक्ट कि हाँ भाई यहाँ से 20 माइक्रो कूलाम आंसर आएगा। बट मैंने ये प्रोसेस इसलिए बता दिया कि अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस लग जाता तो फिर सेल का वोल्टेज कुछ और होता, यहाँ का वोल्टेज कुछ और आता, तब आपको ये पूरा प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व कीजिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो बच्चों टारगेट 35 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यह है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर के इज ओपन, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर सी इन स्टेडी स्टेट इज Q1, नाउ की इज क्लोज्ड एट स्टेडी स्टेट, द चार्ज ऑन सी इज Q2, द रेशियो ऑफ चार्जेज Q1/Q2 इज, ए ऑप्शन गिवन है 3/2, बी 2/3, सी 1 और डी 1/2। तो बच्चों देखिए, हमको ये क्वेश्चन दिया है, हमसे कहा जा रहा है कि हाँ यहाँ पे एक EMF लगा हुआ है, पहले की ओपन है उस समय इस पे चार्ज कितना जाता है Q1, जबकि क्लोज होगा तो इस पे चार्ज कितना जाएगा Q2। तो हमको Q1 और Q2 का रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे व्हेन की इज ओपन, जब की क्या है ओपन है। सोचिए बच्चों, जब ये की ओपन है तो इधर तो करंट जानी नहीं है, अब जो भी करंट जा सकती थी यहाँ जा सकती थी, लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या होता है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, तो यहाँ से कोई करंट पास होनी नहीं है स्टेडी स्टेट में, इसका मतलब इस सेल से अब कोई भी करंट नहीं निकलेगी। जब कोई करंट नहीं निकलेगी तो अगर इस पॉइंट को ए कह दें, इसको हम बी कह दें, इसको हम डी कह दें, इसको एफ कह दें, इसको जी कह दें, इसको एच कह दें, तो हम ये पाएंगे कि ए से एच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ई, तो बी से सी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा ई, क्योंकि जब कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है तो कैपेसिटर उतना ही वोल्टेज ले लेगा जितना उसमें बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेडी स्टेट में चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट तो कितना होगा भैया, तो चार्ज का फार्मूला होता है Q = C × V, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस।
तो सी तो कैपेसिटी सी है, वोल्टेज कितना इस पे पहुंच जाएगा ई, क्यों, क्योंकि इस बैटरी से कहीं कोई करंट नहीं गई है, तो जो वोल्टेज यहां है वही यहां हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे व्हेन की इज क्लोज्ड, दो केस है ना, तो ये पहले वाला चार्ज आ गया, इसको Q1 लिख लो और दूसरा आप केस शुरू करो व्हेन की इज क्लोज्ड। तो जब बच्चों की को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दो, जब आपने इसको क्लोज कर दिया तो क्या होगा, अब करंट फ्लो होगी भाई, कैपेसिटर से करंट नहीं जाएगी क्योंकि स्टेडी स्टेट में ये करंट को ब्लॉक कर देता है, डीसी के लिए अपना रेजिस्टेंस इनफाइनाइट शो कर देता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है, लेकिन करंट इधर से तो जाएगी, यहां तो रेजिस्टेंस है, यानी कि अब करंट इस तरह से फ्लो होगी बच्चों, ऐसा। जब ऐसे करंट फ्लो होगी तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कैसे आएगा, तो इस कैपेसिटर पे अभी भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्यों, क्योंकि इस सर्किट से ये क्या होगा पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां प्रोड्यूस होगा बच्चों वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा, तो हमारा काम है ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसकी करंट चाहिए, बिना करंट के नहीं हो सकता, तो इस करंट को मान लेते हैं ये कितनी फ्लो हुई आई, जब आई करंट फ्लो हुई ध्यान से देखो तो ये सारे रेजिस्टेंस क्या है आपस में सीरीज में, देखो जो करंट यहां आई वही यहां गई क्योंकि यहां कोई मुड़ने का चांस नहीं था, इसका मतलब है कि पहले करंट अगर हम फाइंड करते हैं तो यहां पे लिख देंगे करंट इन सर्किट, तो ये आ जाएगी आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कितना है आर प्लस टू आर, यानी कि आ गया E अपान 3R, ये करंट आ गई। सो VDF मतलब D और F के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस C पर आएगा ना, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या आएगा VDF कितना आएगा सोचो, तो VDF बराबर होगा I और इनटू उसका रेजिस्टेंस किसका DF का, तो कितना आएगा बच्चों VDF I 3R और इंटू रेजिस्टेंस ऑफ DF 2R, R से R कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 2/3 E, ये EMF आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया D और F के बीच का। सो चार्ज एट कैपेसिटर, कितना चार्ज स्टोर होगा भाई, तो ये चार्ज स्टोर होगा Q इज इक्वल टू C इंटू E, तो C into V कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसका पोटेंशियल डिफरेंस DF का, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है तो यही पोटेंशियल डिफरेंस यहां आ जाएगा, तो Q बराबर आ जाएगा C और इंटू DF, DF का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया देखो तो 2/3 E, मतलब Q इक्वल टू आ गया 2/3 E इंटू C, ये Q2 मान लो बाद वाला चार्ज Q2, उन्होंने कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2, इसका ये मतलब हुआ कि Q1 अपान Q2 कितना आ जाएगा, यही हमको निकालना है, Q1 कितना है देखो C, Q2 कितना आया 2/3 CE, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 3:2, सो द रेशियो ऑफ Q1 इज टू Q2 इज 3:2, सो 3/2 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों देख लीजिए आपका जो 3/2 ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों टारगेट 35 सीरीज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 यह है कि अ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एज शोन इन द फिगर, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच S इज टर्न्ड टू पोजीशन 2H। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अगर इस स्विच को 1 से 2 में ले जाएं तो कितना लॉस इन एनर्जी हो जाएगा जो कैपेसिटर में स्टोर्ड होगी। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि पहले जब ये स्विच S जो है 1 में क्लोज होगा उस समय में केवल चार्ज जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां तो कोई कनेक्शन नहीं है तो ओपन सर्किट यहां से हो रहा है, तो जो भी चार्ज स्टोर होना है इस पे होगा, ठीक है। अब चूंकि V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है
यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है, तो बच्चों इस पे चार्ज कितना जाएगा? तो चार्ज एट 2 माइक्रोफेरेड व्हेन स्विच एस इज इन पोजीशन 1, ठीक है, स्विच इज इन पोजीशन 1, देन अगर इस कैपेसिटर को C1 कह दें, इसको हम C2 कह दें, चार्ज स्टोर्ड एट C1, तो कितना चार्ज स्टोर होगा भाई, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो C1V, यानी कि 2 माइक्रोफेरेड इंटू वी, यानी कि Q इज इक्वल टू आ गया 2V माइक्रो कूलाम, माइक्रोफेरेड इंटू वी क्या बन गया, माइक्रो कूलाम बन गया, तो 2V माइक्रो कूलाम, ये चार्ज आ गया बच्चों। इसका मतलब इस पे इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी सोचो, तो इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो UI इज इक्वल टू हाफ C1 वी स्क्वायर, एक फार्मूला होता है, एक होता है UI इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपान C1, ठीक है, तो UI आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर, यानी कि 2V का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, वी स्क्वायर अपान C1 2, यानी कि ये आंसर आ गया देखो हमारे पास वी स्क्वायर माइक्रो फेरेड, कितना आ गया वी स्क्वायर माइक्रो फेरेड, क्योंकि हमने वी वोल्ट मान रखा है, ठीक है। अब व्हेन की इज इन पोजीशन 2, यहां पे लिखेंगे व्हेन स्विच इज इन पोजीशन 2, तो जब 2 पोजीशन में होगा तो बच्चों क्या होगा सोचो, ये स्विच यहां से हटाया जाएगा और यहां जोड़ा जाएगा, जब ऐसा कर देंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए कैपेसिटर, ऐसे अगर कनेक्शन दे दे तो क्या हो गए, पैरेलल हो गए, यानी कि नेट कैपेसिटी कितनी हो गई, 8 + 2, बट चार्ज तो वही रहा, क्यों, क्योंकि चार्ज देने वाली कौन थी, बैटरी थी, अब बैटरी से अगर डिस्कनेक्ट कर दिया गया कोई सिस्टम तो उसका चार्ज तो फिक्स हो जाता है, इसका मतलब इस सिचुएशन में इसमें चार्ज कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस सिचुएशन में कि फाइनल स्टोर्ड एनर्जी UF, तो फाइनल जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ क्यू स्क्वायर, क्यों, क्योंकि चार्ज वही रहा अपान कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी अब कितनी हो गई, देखो C1 + C2, तो UF कितना आएगा, हाफ क्यू स्क्वायर, तो चार्ज तो वही रहेगा पहले वाला, यानी कि क्या हो गया 2V का होल स्क्वायर अपान C1 + C2, तो ये कितना आ गया देखिए 2 + 8, यानी कि आ गया हाफ 4V² / 10, या हम कह सकते हैं 0.2, इसको जब कट करेंगे तो क्या मिलेगा 0.2V². दिस इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो बच्चों पहले सिस्टम में कितनी एनर्जी थी, V² µF, फाइनल कितनी हो गई 0.2V² µF, तो जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी वो बाद में नहीं बची, थोड़ी उससे कम बची है, तो जो कम बची है तो वो लॉस हो गई, यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू UI, भाई पहले ज्यादा थी, माइनस UF अपान UI इंटू 100, यही तो तरीका होता है, कितनी लॉस हुई अपान कितनी पहले थी इंटू 100, तो कितनी लॉस हुई पोटेंशियल एनर्जी अपान कितनी पहले पोटेंशियल एनर्जी थी इंटू 100, वैल्यू पुट कर देंगे क्या बनेगा, देखो V² - 0.2V² / V² × 100, यानी कि बचेगा 0.8V² / V² × 100, या हम इसको कह सकते हैं 80%। सो 80% पोटेंशियल एनर्जी विल बी लॉस्ट व्हेन स्विच इज टर्न फ्रॉम 1 पोजीशन टू 2 पोजीशन। बच्चे देखिए वीडियो बनाते समय ये चीज थोड़ा सा दब गई थी नीचे, मतलब कैमरे में नहीं आया था, तो आप देख लीजिए ध्यान से, ये 1/2 और ये Q² की वैल्यू है, Q की वैल्यू यहाँ से और पान में 2 + 8।
बाकी सब ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, टारगेट 35 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 30 यह है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ प्लेट सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ 300 वोल्ट सप्लाई। द एनर्जी डेंसिटी इज ए 0.01 जूल पर मीटर क्यूब, बी 0.1 जूल पर मीटर क्यूब, सी 1.0 जूल पर मीटर क्यूब एंड डी 10 जूल पर मीटर क्यूब। तो देखिए बच्चों, हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है कोई ऐसा होगा, इसकी प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस हमको दे दिया है 2 मिलीमीटर, ठीक है। हमसे कह रहे हैं इसको हमने 300 वोल्ट तक चार्ज कर दिया, तो इसमें एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? आपको पता होना चाहिए किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी डेंसिटी होती है, इसका फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो फार्मूला मिलता है हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। क्या मिलता है? हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। तो जब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें बच्चों, तो क्या मिल सकता है? हाफ एप्सिलॉन जीरो ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन स्मॉल डी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वी अपॉन डी का होल स्क्वायर। ई की जगह वैल्यू पुट कर दिया तो ये क्या आ गया? वी अपॉन डी का होल स्क्वायर हो गया, बाकी सब तो ऐसे ही रहा। अब बच्चों ये वैल्यू क्या बचेगी? हाफ एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10^-12। वी कितना है बच्चों? 300 अपॉन डी, डी कितना है बच्चों? 2 मिलीमीटर, मतलब 2 × 10^-3 मीटर। तो यहां पे लिख देंगे 2 × 10^-3 मीटर और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? हाफ 8.85 × 10^-12 × 300 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये 90,000 अपॉन 4 × 10^-6। देखे जब इसको ऊपर ले जाएंगे 10^, देखो +6 हो जाएगा, 4 जीरो और +6 मिलके क्या हो जाएगा? power 10 हो जाएगी, 10^-2 बचेगा, यानी कि आ जाएगा तुम्हारे पास 8.85 अपॉन 4 × 8 × 9 × 10^-2। देखो ये बच गया। अब अगर इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 0.1 जूल पर मीटर क्यूब। जब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.1 जूल पर मीटर क्यूब, अप्रॉक्स में आएगा, लगभग ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो यानी कि जो एनर्जी डेंसिटी प्लेट्स के बीच की है वो क्या हो जाएगी? 0.1 जूल पर मीटर क्यूब। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, नोट हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।